हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे विश्व से अनेक कीमती भेंट लाकर रखी हुई थी। उन सबको अच्छे से सुंदर कपड़ों से सजाया गया था और बस अब समय था कि कृष्ण इन सबको एक एक करके अपने मित्रों में बांट दे। लेकिन जैसे ही कान्हा ने उन सभी उपहारों को देखा तो वह बड़ा ही निराश हो गया और जोर जोर से रोने लगा और सभी कीमती आभूषण, कपड़े और चीजों से बनी हुई भेंटों को उसने फेंकना शुरू कर दिया और वह रोने लगा। हे प्रिय भक्तों, लेकिन कान्हा ने ऐसा क्यों किया? आखिर आज तो उसका जन्मदिन है, फिर ऐसा क्या हुआ जो आज के दिन वो रोने लगा और वह भी इन सभी उपहारों को फेंक कर? क्या कान्हा को वो उपहार पसंद नहीं आए? हे प्रिय भक्तों, इसका उत्तर तो हमें आज की जन्माष्टमी विशेष कथा में ही मिलेगा। तो आइए आज कृष्ण जन्मोत्सव के दिन कान्हा की एक विशेष कथा सुनते हैं। हम सब जन्माष्टमी के महापर्व को अत्यंत ही धूमधाम से मनाते हैं, इतनी तैयारियां करते हैं और श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ उसकी भी कथा हमने अनेक बार सुनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं वृंदावन में कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाया जाता है? तो आइए आज कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर हम आपको वृंदावन में लेकर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कि आखिर नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। तो सबसे पहले तो कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर भव्य तैयारियां होती हैं। पूरा वृंदावन उस समय आनंद और उत्साह से छलक रहा होता है और कान्हा के जन्मदिन की शुरुआत होती है प्रातः काल में यशोदा मैया द्वारा आयोजित अनेक पूजा पाठ और यज्ञ इत्यादि के साथ। नंद महाराज के द्वारा अनेक ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है और ऋषि शांडिल्य द्वारा बताई गई हर पूजा विधि को संपन्न किया जाता है। इन सब के अंदर कहीं भी कोई भी कमी नहीं रहती, क्योंकि यशोदा मैया कन्हैया के जन्मदिन की पूजा के विषय में अधिक सतर्क रहती हैं। इसीलिए सारी पूजा और विधि एकदम संपूर्ण होते हैं। कान्हा को भी इन पूजाओं में बैठने में बड़ा मजा आता है। लगभग सुबह का समय इन्हीं पूजा और यज्ञ में शांति पूर्वक बिना किसी अवरोध के व्यतीत हो जाता है। फिर जब सभी ब्राह्मण विधि संपन्न करते हैं तो कान्हा स्वयं उन्हें भोजन करवाते हैं और नंद महाराज दान देते हैं। उसके बाद बारी आती है अब कृष्ण के मित्रों की। जैसे ही ब्राह्मण और साधु चले जाते हैं, उसी क्षण कान्हा के सभी मित्रों की टोली आकर उसे घेर लेती है और वे सब खाली हाथ नहीं आते। हे प्रिय भक्तों, वृंदावन में जो बड़े लोग हैं वह कृष्ण के लिए अनेक सुंदर कीमती उपहार लेकर आते हैं, जैसे कि मूल्यवान कपड़े, आभूषण, मोती, खिलौने इत्यादि। लेकिन कान्हा के जो छोटे छोटे मित्र हैं, वे कान्हा के लिए विशेष उपहार लेकर आते हैं। हालांकि उनकी भेंट इतनी कीमती या मूल्यवान नहीं होती, लेकिन फिर भी वे सब अनोखी होती हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कृष्ण को अपने मित्रों द्वारा लाई गई भेंटों को देखने में अधिक रुचि रहती है। इसीलिए अब अपनी अपनी भेंट लेकर एक के बाद एक करके कृष्ण के मित्र उसके पास आने लगे हैं। सबसे पहले आया भद्र और जानते हैं उसने कृष्णा को क्या उपहार दिया? एक छोटी सी डिब्बी में गाय के गोबर से बना हुआ तिलक। बड़ा ही खुश होता हुआ वो कृष्ण के पास आया और उसने कृष्ण से कहा, देखो देखो कान्हा, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये है गाय के गोबर से बना हुआ तिलक, इसे लगाकर तुम बड़े सुंदर दिखोगे। जैसे ही कृष्ण ने ये सुना तो वह खुशी के मारे उछल पड़ा। बड़े ही उत्साह पूर्वक उसने वह गाय का गोबर का तिलक भद्रा से अपने सिर पर लगवाया और यह तिलक उसे इतना अच्छा लगा कि वह सबके पास जा जाकर उसे दिखाने लगा और कहने लगा, देखो देखो
भद्रा मेरे लिए क्या लेकर आया है? कितना सुंदर है ये, मुझे तो लगता है कि यह तिलक आज सुबह सुबह ही मुझे लगाना चाहिए था। पता नहीं ये शांडिल्य ऋषि इतने महत्वपूर्ण विधि को कैसे भूल गए। वास्तव में तो मेरा मित्र भद्रा सबसे अधिक बुद्धिमान है जो उसने ऐसे मूल्यवान भेंट के विषय में सोचा। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार कान्हा बातें कर रहा था, तभी एक और ग्वाल बाल आया जिसका नाम था तोके। वह कृष्ण के लिए तीन रंगों वाला फूल लेकर आया था। उस फूल को देखकर कृष्ण इतने प्रसन्न हो गए कि पूछो ही मत। पूरी सृष्टि की रचना करने वाला कान्हा अपने मित्र से कहने लगा, अरे वाह, कितना सुंदर है यह फूल, आज तक मैंने इतना सुंदर फूल कभी नहीं देखा। देखो देखो, यह टोके मेरे लिए कितना सुंदर पुष्प लेकर आया है। आज तक इतने मूल्यवान भेंट मुझे किसी ने नहीं दी है। पूरे वृंदावन में ऐसा पुष्प कहीं नहीं मिलता। इस प्रकार कान्हा के लिए उसके मित्र कभी कुछ फल लेकर आते तो कुछ छोटा सा सुंदर मोर पंख, तो कोई तीन रंगों की छांट वाला सफेद कमल पुष्प लेकर आया था। और अपने सभी मित्रों के उपहारों को देख देख कर कान्हा बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। हे प्रिय भक्तों, उस दिन यशोदा मैया ने कान्हा को अत्यंत सुंदर आभूषण और वस्त्रों से सजाया हुआ था और कान्हा को यशोदा मैया की तरफ से विशेष सूचना मिली थी कि उस दिन घर पर जो भी मेहमान आएंगे उन सब की कृष्ण को सेवा करनी है और उनका स्वागत करना है। कृष्ण को भी यह काम बहुत अच्छा लगता था और यशोदा मैया ने उसे यह भी सुझाव दिया कि जब उसके मित्र उसके लिए उपहार लेकर आएंगे तो कान्हा को भी बदले में उन सबको कुछ ना कुछ देना चाहिए। और कृष्ण को यह प्रस्ताव बड़ा अच्छा लग गया था। कृष्ण के मित्रों को बदले में देने के लिए नंद बाबा और यशोदा मैया ने पूरे वर्ष भर अनेक भेंट और उपहार इकट्ठे किए हुए थे और वह भी विश्व के कोने कोने से मंगवाए हुए। उन सबको सुंदर कपड़ों और थालों में सजाकर एक स्थान पर रखा गया था और अब समय था कि कृष्ण अपने मित्रों को उपहार दें। जैसे ही कान्हा ने उस स्थान पर जाकर देखा तो वहां मूल्यवान मोती थे, कीमती आभूषण थे, सुंदर वस्त्र थे और अन्य बहुत सी वस्तुएं थी। लेकिन इन सब को देखकर कान्हा बड़ा ही निराश हो गया। उसे लगा कि उसके मित्रों ने जो मूल्यवान वस्तुएं उसे दी हैं, उसके सामने तो यह सारा सामान कुछ भी नहीं है। उसे यह कीमती वस्त्र आभूषण बिल्कुल अर्थविहीन लग रहे थे। अब उसके पास अपने मित्रों को देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह सोचकर कान्हा को बहुत रोना आ रहा था। यह सोचकर कान्हा ने सारे उपहार फेंक दिए और एक कोने में जाकर रोने लगा। अब यह देखकर नंद बाबा और यशोदा मैया परेशान हो गए। वर्ष भर उन्होंने इतनी मेहनत से इतना खर्च करके इतने सारे उपहार इकट्ठे किए थे और कान्हा को वो पसंद ही नहीं आए। अभी कुछ समय पहले ही उछल कूद करता हुआ खुशी से नाचता हुआ कान्हा आज अपने जन्मदिन पर अब रोने लगा था। अब ऐसी स्थिति में अंतिम सहारा हमारे बलराम जी हैं। थोड़ी देर बाद कान्हा अपने बलदाऊ के पास गए और आंखों में बड़े बड़े आंसू लेकर कहने लगे, देखिए ना दाऊ भैया, मेरे सभी मित्रों ने मुझे इतने मूल्यवान उपहार दिए हैं लेकिन मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं? यह सुनकर बलराम जी ने कहा कि हे कृष्ण, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम उन्हें क्या दे सकते हो। देखो, अब जरा ध्यान से सोचो कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हारे मित्रों के पास नहीं है। बताओ बताओ,
अब कान्हा भी गंभीरता पूर्वक गहरा चिंतन करते हुए सोचने लगा, ऐसा मेरे पास क्या है जो इनके पास नहीं है। और अचानक से कान्हा के मन में विचार आया और जो भी वस्त्र आभूषण और उपहार उसने फेंक दिए थे उन सब के ऊपर चढ़कर भागता हुआ वह अपने मित्रों के पास पहुंच गया। अब फिर से उसके चेहरे पर मुस्कान थी और पैरों में उछल कूद करता हुआ आनंद। आखिर उसे पता चल गया था कि उसे अपने मित्रों को कौन सा उपहार देना है। कान्हा सीधा गया भद्रा के पास। कान्हा ने भद्रा को जोर से गले लगाया और प्रेम से उसके कानों में कहा, हे भद्रा, मैं तुम्हारा हूँ। यही उपहार है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। और यह देखकर भद्रा की आंखों में आंसू आ गए। आज तक ऐसा उपहार उसे कभी नहीं मिला था। आखिर कृष्ण ने स्वयं अपने आप को ही दे दिया था। इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है। तो बस इस प्रकार कान्हा ने जाकर अपने सभी मित्रों को गले से लगाया और स्वयं को उन्हें सौंप दिया। हे प्रिय भक्तों, सभी ग्वाल बाल भी श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इस उपहार से इतने प्रसन्न थे कि उन्हें लग रहा था कि आज तक उन्हें ऐसा उपहार किसी ने भी नहीं दिया है। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार वृंदावन में जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। हे प्रिय भक्तों, अब आप बताइए कि आप जन्माष्टमी के दिन कृष्ण के लिए क्या उपहार लेकर जाने वाले हैं। और ऐसी मान्यता है कि जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य 7 जन्मों के पापों से छूट जाता है। तो हे प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप तथा अत्याचारों से तपने लगी तब वह गाय का रूप बनाकर सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं के साथ जब पृथ्वी के दुख भरी कथा सुनी तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, यह तो अत्यंत चिंता का विषय है, हमें भगवान विष्णु के पास चलना चाहिए। तब सभी देवतागण ब्रह्मा जी और पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर में श्री हरि विष्णु के पास जाकर पहुंच गए। वहां भगवान विष्णु अनंत शैया पर सो रहे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देव गणों की स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हो गई और भगवान विष्णु ने सभी से उनके आने का कारण पूछा। तब पृथ्वी बोली कि हे प्रभु, मेरे ऊपर बड़े पाप और अत्याचार हो रहे हैं, इसका निवारण कीजिए प्रभु। फिर ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे नारायण, अब आपका पृथ्वी की रक्षा के लिए धरती पर 8वें अवतार के रूप में अवतरित होने का समय आ गया है। फिर विष्णु भगवान बोले कि ठीक है ब्रह्मदेव, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मानव रूप में जन्म लूंगा। आगे भगवान श्री हरि विष्णु बोले, मैं व्रज मंडल में कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। आप सभी भी ब्रज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता व्रज में आकर यादव कुल में नंद यशोदा तथा गोपियों के रूप में पैदा हुए। हे प्रिय भक्तों, यदुवंशीय राजा उग्रसेन मथुरा के राजा थे। उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी स्वभाव का था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को धोखे से गद्दी से उतार कर उन्हें कारागार में डाल दिया था और अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि पिताजी को काल कोठरी में डाल दो और आज से मथुरा नगरी में मेरा ही राज चलेगा। आज से महाराज उग्रसेन यहाँ बंदी बनकर रहेंगे और मथुरा नगरी पर मैं ही राज्य करूंगा। कंस की बातें सुनकर कंस के पिता उग्रसेन कंस से बोले कि तुम मेरे पुत्र हो, बस यही सोचकर मुझे बड़ी लज्जा आ रही है। देखना, एक दिन तेरे पाप का घड़ा अवश्य भरेगा। हे प्रिय भक्तों, एक तरफ तो कंस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया था और दूसरी तरफ कंस की छोटी बहन के विवाह की तैयारियां चल रही थी।
देवकी मथुरा के राजा उग्रसेन के छोटे भाई देवक की पुत्री थी। यह कंस की चचेरी बहन थी और कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। कंस देवकी के पास गया और बोला कि कल तुम्हारी यहाँ से विदाई हो जाएगी। तुम्हारे बिना यह महल बहुत ही सूना सूना हो जाएगा। फिर देवकी भी बोली कि हे भैया, मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। अगले दिन देवकी का विवाह वसुदेव से संपन्न हुआ और कंस वसुदेव से बोला, हे महाराज वसुदेव, मैं अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए देवकी बहन को मैं स्वयं अपने रथ पर ससुराल विदा करके आऊंगा। वसुदेव बोले कि यह तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। कंस देवकी और वसुदेव को छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। देवकी के पिता उसे बहुत सारा धन धान्य संपत्ति आदि देकर विदा करते हैं। कंस देवकी और वसुदेव के साथ रास्ते में वार्तालाप करते हुए चला हुआ था। वह अभी आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि उसी समय एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझकर साथ लिए जा रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका आठवां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस सोचने लगा, ये कैसी आकाशवाणी हुई? यह सच नहीं हो सकता, यह झूठ है, यह कैसे हो सकता है? देवकी की कोख से जन्मा आठवां बालक मेरा वध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो मैं देवकी का ही वध कर देता हूँ, फिर मुझे कोई डर नहीं। हे प्रिय भक्तों, फिर कंस ने तलवार निकाली और वह देवकी को मारने के लिए दौड़ा। तब वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, इसमें यह औरत बेकसूर है, इसे मारना ठीक नहीं है। पैदा होते ही मैं अपनी सभी संतानें आपको दे दूंगा, तब आपको कौन मारेगा? कंस उनकी बात मान गया तथा उन्हें कारागृह में ले जाकर बंधक बना दिया गया। दिए गए वचन के अनुसार वसुदेव ने अपनी सभी पुत्रों को पैदा होते ही कंस को दे दिया तथा पापी कंस उन्हें मारता चला गया। देवकी के सातों पुत्रों को मारने के बाद जब कंस ने देवकी के आठवें गर्भ के पैदा होने की बात सुनी तो उसने कारागृह में कड़ा पहरा लगा दिया। तब भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात के समय भगवान विष्णु ने बालक के रूप में प्रकट होकर वसुदेव को अपने आप को गोकुल नंद के घर पहुंचाने तथा वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दिया। तब वसुदेव श्री कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए। दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सोए हुए नजर आए। यमुना पार करके वसुदेव गोकुल पहुंच गए। सोई हुई यशोदा को देखकर उन्होंने बालक श्री कृष्ण को उनके पास सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर कारागृह में पहुंचे। तब कारागृह के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सिपाहियों ने कंस को सूचना दी और खबर मिलते ही कंस ने उस कन्या को लेकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन हे प्रिय भक्तों, हाथ से छूटकर आकाश में वह कन्या उड़ गई तथा साक्षात देवी के रूप में प्रकट हुई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में बहुत पहले पैदा हो चुका है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का धरती पर अवतरण हुआ। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी तथा अपने भक्तों की रक्षा की। तो प्रेम से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी जन्माष्टमी की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आपको कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा।
ताकि आने वाली सभी वीडियोस के लिंक आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।